हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक झलक एक कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु के बीच में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम डिफरेंस को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इस साइड आप कॉलम में देखो प्रॉपर्टीज दिया है, ये मेटल और ये रहा नॉन मेटल। क्वेश्चन हमेशा इससे एक्सेप्शन से रिलेटेड पूछा जाता है, एक्सेप्शन को आप जरूर याद रखिए। फिजिकल स्टेट यानी जो है इसका स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड या गैस। तो मेटल ऑलवेज क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। आप ये एक्सेप्शन देखिए मरकरी और गैलियम को छोड़ के, ठीक है। मरकरी और जो गैलियम है ये एक्सेप्शन है, ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है। नॉन मेटल क्या है, जनरली सॉलिड होता है बट इसमें भी एक्सेप्शन है, दैट इज ब्रोमाइन। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड सॉलिड और गैसेस स्टेट में होता है, बट ब्रोमाइन जो है वो सॉलिड और गैसेस स्टेट में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जनरली मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम और मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, बट एक्सेप्शन इज कार्बन सिलिकॉन एंड बोरोन को छोड़ के। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स आर जनरली मेलेबल, यानी हम इसको मेटल्स को मेल्ट कर सकते हैं और थिन वायर मेल्ट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक्सेप्शन इज जिंक। जिंक मेलेबल नहीं होता और डक्टाइल नहीं होता। नॉन मेटल ब्रिटल होता है, मीन्स इजिली टूट जाता है, और ना ही मेलेबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। कार्बन फाइबर्स एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कंडक्टिंग होता है, तो दैट इज योर ग्रेफाइट। लश्यर में चमकीला होता है, तो मेटल में चमक होती है, सोना चांदी आप देख लो। नॉन मेटल्स आर नॉन लश्यरस, नॉन मेटल चमकीला नहीं होता है, बट कुछ नॉन मेटल्स है जो चमकीले होते हैं, दैट इज आयोडीन एंड डायमंड। सोनरस में साउंड प्रोड्यूसिंग, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विद सम मेटल्स। अगर मेटल किसी सॉलिड सर्फेस से टकराता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, बट नॉन मेटल क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। हार्डनेस की बात करें तो मेटल हार्ड होता है, ठीक है, कठोर होता है, बट सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन है, ये दोनों क्या होते हैं, कठोर नहीं होते। नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। तो नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बट डायमंड क्या है, इट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। तो डायमंड क्या है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। ठीक, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जीरो को। जल्दी मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।